गाइस, मैं हूं निहाल ब्लॉगर। तो आज का वीडियो में क्या है कि मेरी गाड़ी की सर्विस है, सो सेकंड सर्विस है। तो ये गाड़ी लगभग मेरी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आज मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूं और गाड़ी की सर्विस कराने जा रहा हूं। तो देखते हैं उसमें क्या होता है, कितना कॉस्ट आता है। गाड़ी सर्विस सेंटर से ही मैं अपनी सर्विस कराऊँगा और कैसी रहती है उनकी सर्विस, सब आज मैं दिखाऊँगा एक एक करके। साथ में लखनऊ के मज़े भी मिलेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ ये गाड़ी कितनी गंदी हो रखी है और आज ये चमचमाते हुए आएगी। टंकी फुल कर दो। हम लोग आलमबाग लहरिया पे आ चुके हैं और यहाँ लगा है लगभग 1 किलोमीटर का जाम। चलो मजे लेते हैं धीरे धीरे। मेरी कार आप देख सकते हैं 10,234 चल चुकी है। सो आगे क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अब देख लीजिए कितनी गंदी हो रखी है कार। आज इसी की सर्विस है, देखते हैं जी कैसी क्या सर्विस है, सेकंड सर्विस है, कितना कॉस्ट आता है, सब आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले भैया ने नंबर नोट डाउन किया और उसके बाद आगे फाइनली मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया हूं और ये ले रहा है रीडिंग। तो गाइस मेरी गाड़ी जा रही है वॉशिंग के लिए और देखते हैं वहाँ क्या होता है। काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं रेनॉल्ट की सर्विस के लिए। ड्राइवर है, क्विड है, डस्टर है, इसका हाल देखो तगड़ी। ये हमारी नई ड्राइवर आ गई है देखो। फिलहाल 3 गाड़ियों के बाद मेरी गाड़ी का नंबर है। भैया देखो आगे ला रहे हैं। तो गाइस अभी सर्विस और वॉशिंग में करीब 1 घंटे का टाइम है। तब तक मैं यहाँ की सबसे बेस्ट ढाबे पे आया हूँ, सागर पॉइंट, और यहाँ का सबसे बेस्ट है पिज़्ज़ा। चलो खाते हैं यहाँ पर एक स्पेशल पिज़्ज़ा कराऊँ और 2 कर लेता हूँ, एक अपने लिए एक मम्मी के लिए। कुछ ऐसी लोकेशन पे बैठा हूँ, बढ़िया है यहाँ पर। फाइनली जो मैंने ऑर्डर किया वो आ गया है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है कच्चा। और इसी के साथ मेरी ये थम्सअप। चलो अभी से खाते हैं, उससे वेट नहीं हो रहा। काफ़ी अच्छा टेस्टी पिज़्ज़ा है, पनीर ड्राई फ्रूट वगैरह सब पड़े हुए हैं, एकदम बेस्ट चीज़ मिली है। फाइनली मैं दोबारा वर्कशॉप पहुँच चुका हूँ और अब देखते हैं कि क्या हो रहा है मेरी गाड़ी में। ये देखो नई ड्राइवर। देखते हैं मेरी गाड़ी का कौन सा नंबर लगाया है भैया। ये वर्कशॉप रिंग रोड वाला है लखनऊ का। मेरी गाड़ी में कुछ काम स्टार्ट हो गया है। इंटीरियर क्लीनिंग हो चुकी है यहाँ तक। हाँ इंटीरियर क्लीनिंग हो चुकी है गाड़ी में। गाड़ी की इंटीरियर क्लीनिंग हो गई है बट उतनी खास सर्विस मुझे लगी नहीं, फिर भी जो हुई सो की इन्होंने। इतनी गाड़ी गंदी है, अब ये धुलाई वॉशिंग कर लो।
लग रहा है भैया, लगाओ शाम को पंखा मार रही। दादा लोग परेशान कह रहे हैं इतनी गंदी गाड़ी कभी नहीं देखी, 10 किलो तो मिट्टी निकल गई। चलो चलो धुलते रहो। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी का मोबिल निकाला जा रहा है, तो गाड़ी की सर्विस स्टार्ट हो गई है। गाड़ी को टांग दिए ऊपर। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हो गई है और गाड़ी आप देख रहे हैं एकदम चमक रही है बाहर से भी और अंदर से भी। अभी फ़िलहाल मैं कुछ ऑर्डर कराने के लिए घर के लिए जा रहा हूँ, पिज्ज़ा विज्ज़ा, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि बिजली का कार का कितना बिल आया था और उन्होंने कितना चार्ज किया। भाई अगर आप गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं तो आप सबसे पहले तो आप खुद जाइए सर्विस सेंटर पे और आप देखिए वो कर क्या रहे हैं। इतना फ्रॉड होता है भाई, मैं क्या बताऊँ। उन्होंने तो मेरा बिल करीब आप सेकंड सर्विस का समथिंग 8 से 10 हज़ार के लगभग बना दिया था। फिर मैंने चेक किया तो उसमें एक एक चीज़ हटवाएं जो फालतू की चीज़ें थी, जो मतलब मैं करवा चुका हूँ और उसको लाइफ टाइम बोल के किया भी था। आप बता रहे हैं सर नेक्स्ट ईयर भी फिर करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं आपको एस्टिमेट दिखा दूँ कि क्या बिल आया है और क्या क्या मैंने कराया है। तो भाई आप लोग अगर नई गाड़ी है आप किसी के पास भी सेकंड सर्विस करा रहे हैं तो बहुत देख के ही कराइए, इतना लूटते हैं यार। कुछ कहो मत रेनॉल्ट वालों, या तो आप सर्विस अपनी सुधारिए। सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट लेके गए और 6:16 हो गया है अब मुझे इन्होंने फ्री किया है। इतनी बहस करने के बाद मेरा बिल जो आप आया है आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ यार कुछ भी बना देते हैं बिल। वाकई में इनका बिल की बात है मतलब। तो आप देखिए 8-10 हज़ार का बिल मैंने कितने में कराया है, ये देखिए 8-10 हज़ार का बिल था इनका, 1958 रुपये में मैंने ये क्लियर कराया, जिसमें मैंने काम भी सारे कराए, ऐसे कोई काम नहीं कि जो मैंने ना कराया हो। आपको मैं दिखा दूँ जो सब कुछ होता है जिसमें कि ये जो सारी किट विट सारी चीज़ें लगवाई हैं, ऑयल फिल्टर चेंज करवाया है, एसी फिल्टर चेंज कराया है, बैटरी की ग्रीस विंग सब कराया है और बाकायदा फिल्टर विल्टर किट विट पूरी लगवा के ये हमारा अमाउंट जो बना है सेकंड सर्विस का आप देख सकते हैं 1633 रुपये समथिंग मेरा अमाउंट आया था, जो कि GST लगाने के बाद 1958 रुपये करीब बना है। बट भाई मुझे ये समझ नहीं आया इन्होंने 8000 कैसे बना दिया पहले, और ये सर्विस कराने से पहले की बात है, जब ये सर्विस मेरी गाड़ी हुई नहीं थी तब उनसे मैंने बहस की थी, अंदर मोबाइल चलाने को इन लोगों ने मना कर रखा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। बाकी और पता नहीं इन्होंने, अब मैं बता दूँ आपको क्या फालतू कर रहे थे। पहले तो इंजन कोटिंग, जब मैं फर्स्ट सर्विस कराने गया था तो इन्होंने कहा था कि इंजन कोटिंग आप करा लीजिए और एक बार इंजन कोटिंग होगी लाइफ टाइम आपकी चलेगी। तो मैंने कहा ठीक है नई गाड़ी है, मैंने भी करवा दी सारी इंजन कोटिंग वगैरह सब करा लिया बना लिया। इस बार मैं आया वही एडवाइज़र वही सेम चीज़ सेम थिंग सब कुछ सेम, और इस बार भी इंजन कोटिंग वगैरह सब लिख दिया, फिर मैंने 8000 का बिल बना दिया। मैंने कहा भाई ये तो मैं करा नहीं सकता। और एसी वेंट के नाम पे क्या चूतिया बना रहे थे ये लोग, 1200 रुपये का एसी वेंट लिख दिया। और उसमें क्या करते हैं एसी वेंट में जो एसी के वेंट्स होते हैं इनमें एक लिक्विड डालते हैं जो इनको साफ़ करता है। मार्केट में आप बाहर खरीदेंगे 300 रुपये का पूरा स्प्रे मिल जाएगा, आप डाल दीजिए और कम से कम 4-5 बार आप साफ़ कर लीजिए। इसी तरीके से वो उन्होंने 1200 चार्ज रखा था उसका भी मैंने हटवाया। फिर इसी टाइप के 2-4 फालतू के चार्ज और रखे थे, अलाइनमेंट पता नहीं क्या क्या उन्होंने लगा रखे था, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ फर्स्ट टाइम में, सेकंड सर्विस में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और कुल मिला के मेरा बिल 8965 के करीब बनाया था इन्होंने, और ये सब हटा के और सेम चीज़। हाँ इंजन ऑयल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका इंजन ऑयल लगा है हमारे में 980 रुपये का इंजन ऑयल लगा है, वो भी 830 वाला जो कि विद GST लग के 980 रुपये हुआ है। 830 GST SGST CGST मिला के आपका जो हुआ है 980 रुपये का जो इंजन ऑयल लगा है। इन्होंने पहले भाई 3200 रुपये का इंजन ऑयल डाल रहे थे भाई, मैंने इनसे पूछा भाई कौन सी कंपनी का इंजन ऑयल डाल रहे हो जो कि 3200 का है जो मेरी गाड़ी में पड़ेगा। ये कोई बस खाली हाँ करते रहे और मतलब कोई सही से जवाब नहीं दे पाए। फिर मैंने जब उनसे बहस की तो ये देखिए इनका इंजन ऑयल 3200 से
830 पे आ गया, तो इसीलिए रेनॉल्ट से काफ़ी मुझे सर्विस को लेकर काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि भाई ये कुछ भी लूटते हैं। अंदर के बंदे ही कह रहे थे भाई एसी वेंट तुम मुझसे चुपचाप करा लो, मैं तुम्हारा 300 में कर दूंगा। वो भाई वो गया, उसके बाद दूसरा बंदा आया, वो कह रहा है 200 रुपये में कर दूंगा, वही उसी का चार्ज 1200 रुपये लगा रखा। तो भाई ऐसे अगर आप करेंगे तो भी सही नहीं रहेगा। बाकी ओवरऑल गाड़ी उन्होंने सही से सर्विस की है, धुलाई उलाई भी सही से की है, बट अपने आप को खुद ही होशियार करना पड़ेगा, वरना कंपनी 2000 से 10000 करने में चूकती नहीं है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। इस तरह की और भी वीडियो लाऊंगा मैं, देखिए। और फिलहाल 10235 पे मेरी जो है सर्विस हो गई है, नेक्स्ट सर्विस होगी 2 साल बाद 20000 किलोमीटर पर। तब तक के लिए गुड बाय, और मेरी आने वाली नई नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब माय चैनल ज़रूर करिए। थैंक यू।